और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर रहे हैं। चीन ताइवान की तनातनी के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के दागे है कई मिसाइल ताइवान के समुद्री क्षेत्र से ये मिसाइल होकर गुजरी है और इसे युद्ध की बड़ी आहट के तौर पर माना जा रहा है। हालांकि इस मिसाइल लॉन्च से किसी नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन इस तनातनी के बीच चीन की दागी गई मिसाइल ताइवान के साथ चीनी तनाव को और बढ़ा सकती है। और चीन के मिसाइल लॉन्च की ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जिसमें समुद्र के तट के पास से मिसाइल गुजरने के बाद उड़ता धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से समुद्र के किनारे मिसाइल से अटैक किया गया है। चीन की चालबाजी में चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ही उतर आई है, जिसने ताइवान से तनाव के बीच कई प्रोपोगंडा वीडियो के जरिए दबाव बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। ग्लोबल टाइम्स ने जो वीडियो दुनिया के सामने रखा उसे युद्ध के लिए चीन की तैयारी के तौर पर पेश किया गया, जिसमें एक सैन्य अभ्यास के दौरान चीन के Y-20 विमान को उड़ते दिखाया गया जो भारी उपकरणों को एयर ड्रॉप करता नजर आया। इसके साथ ही एक और वीडियो भी सामने रखा गया जिसमें चीन के कई फाइटर जेट उड़ान भरने की तैयारी करते नजर आए, तो वहीं कुछ चीनी एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भरते नजर आए। ऐसे कई वीडियो चीन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए जिसे एक प्रोपोगंडा के तौर पर देखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है चीन ताइवान विवाद के बीच। जानकारी है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका को चीन ने चेतावनी दी है। चीन का ये कहना है कि चीन कड़ी कार्रवाई करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयुंग ने कहा है कि अमेरिका को परिणाम भुगतने होंगे। फिर मत कहना चेताया नहीं था। साथ ही हुआ ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। और चीन ने ताइवान की सीमा के करीब मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन अगर जंग हुई तो ताइवान क्या करेगा, कैसे चीन की चाल का जवाब देगा, क्या कुछ कर सकता है ताइवान, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। ताइवान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर चीन की आर्मी, चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल से ताइवान में तनाव। जहां गरज रही है मिसाइल और बरस रही है गुल, जंग के लिए ताइवान की आर्मी कितनी तैयार। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ताइवान ने चीन को बता दिया कि वो डरने वाले नहीं है और अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए हर एक्शन का कड़ा जवाब देंगे। चीन की तुलना में ताइवान देखने में भले ही कमजोर लग रहा है, लेकिन उसे जीतना आसान नहीं होगा क्योंकि इतने सालों के तनाव में ताइवान ने बेहद बेहतरीन स्ट्रेटजी बना रखी है जिससे चीन को चकमा देना आसान होगा। चीन ताइवान की मोर्चेबंदी में लगा हुआ है और चीन के सबसे बड़े सेना के अभ्यास की तस्वीरें भी सामने आई है। ताइवान ने भी कहा है कि वो अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाला है।
लेकिन ताइवान लोकतंत्र की रक्षा करेगा। ये बयान ताइवान की तरफ से सामने आया है कि ताइवान को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। चीन जिस तरीके से लगातार इस पूरे विवाद को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और अब युद्ध अभ्यास की जो तस्वीरें सामने आई है वो सीधे तौर पर ये जता रही है कि चीन कहीं ना कहीं एक बड़ा युद्ध चाहता है। लेकिन ताइवान किसी से लड़ना नहीं चाहता, ये बात भी ताइवान ने साफ कर दिया है। लेकिन अगर युद्ध की पहल किसी दूसरे मुल्क से होगी तो वो रुकेगा नहीं। और अमेरिका ने चीन की परवाह नहीं करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया है कि अगर जंग हुई तो वो ताइवान का साथ देगा और जरूरत पड़ी तो यूक्रेन की तरह ही हथियारों से ताइवान की मदद भी की जाएगी। ताइवान की पहली स्ट्रेटजी में उसके साथ दोस्त अमेरिका शामिल है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो उसकी मदद के लिए सबसे पहले अमेरिका ही आगे आएगा। दोनों देशों के बीच दोस्ती पुरानी है। इसके अलावा अमेरिका और ताइवान के बीच रिलेशन एक्ट समझौता भी हुआ है, जिसके तहत अमेरिका ताइवान को हथियार बेचता है। दोस्ती का ही नतीजा है कि जंग के हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपनी नौसेना को ताइवान की सीमा के करीब भेजना शुरू कर दिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दूसरी स्ट्रेटजी में ताइवान ने चीन से निपटने के लिए एसिमेट्रिक वॉरफेयर के मेथड को अपनाया है। इसे पार्कुपाइन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इसका मकसद हमले को दुश्मन के लिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किल और महंगा बनाना होता है, जिसके तहत ताइवान ने एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप हथियारों और गोला बारूद के बड़े भंडार को इकट्ठा करके रखा है। इसमें ड्रोन और मोबाइल कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल यानी CDCM जैसे कम लागत वाले युद्धपोत शामिल हैं। ये चीन के महंगे नेवल शिप और महंगे इक्विपमेंट को नष्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। के अलावा ताइवान की योजना समंदर में माइंस बिछाने की भी है। समुद्री माइंस और फास्ट माइन लेइंग शिप किसी भी हमलावर नौसेना के लैंडिंग ऑपरेशन को जटिल बना सकते हैं। अमेरिका ड्रैगन के खिलाफ पूरी तैयारी में है। अपने जंगी जहाजों के साथ एशिया में तैनात करीब 2,00,000 सैनिकों को एक्टिव मोड पर उसने कर दिया है। आज की स्थिति में आइए मैं आपको बताती हूं कि जो ताइवान है वो उसके आसपास US के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, जिसमें देखिए सबसे बड़ी तैयारी तो यही नजर आती है जो ताइवान के हौसले बुलंद है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो 4 एयरक्राफ्ट कैरियर में से 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट बताए जा रहे हैं और ये ताकत किस तरह से बैकिंग मिल रही है अमेरिका की, ये आप ताइवान को समझ सकते हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, आगे भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र मैं करने जा रही हूं। और इसके अलावा एशिया में US सैनिक की संख्या करीब 2,00,000 है और जापान की बात की जाए, जापान का रुख करती हूं तो वहां US सेना की जो मौजूदगी है वो बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका की ही है। यानी कि वो देश है जिनसे ठनती है चीन की और उन देशों में किस तरह से अपना आर्मी बेस US ने बनाया हुआ है। दक्षिण कोरिया में भी US सैनिकों की बड़ी तादाद है और ऐसे में वहां पर भी उसका ठीक ठाक बेस है, अमेरिका का ठीक ठाक बेस है। अब ताइवान की बात करते हैं। ताइवान के जो पड़ोसी फिलीपींस है वहां तो US का बेस है ही, इस बात को बहुत अच्छे से चीन जानता है। वहीं सिंगापुर में भी US सैनिकों की तैनाती है और यही चिंता की बात भी है चीन के लिए कि अगर ताइवान भी उसी तरह से वहां पर नेवी का, आर्मी का बेस हो जाता है अमेरिका का, तो फिर चाइना को टारगेट करना अमेरिका के लिए बेहद आसान होगा। भले ही चीन युद्ध अभ्यास से ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगा है, लेकिन युद्ध की तैयारियों में ताइवान भी है जो चीन पर जवाबी हमले की स्ट्रैटेजी बना चुका है। क्या है वो स्ट्रैटेजी, देखिए। ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन को बड़ी संख्या में सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों, हथियार, गोला बारूद, खाने पीने के सामान और मेडिकल सप्लाई उस पार ले जाने की जरूरत होगी। ये सिर्फ समुद्र के रास्ते संभव है। लेकिन ताइवान ने इसकी निगरानी के लिए एडवांस सेंसर वाले इक्विपमेंट लगाए हैं जो कि चीनी बेड़े या फिर फ्लीट का आसानी से पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर जंग के दौरान चीनी PLA के सैनिक ताइवान की जमीन पर उतरेंगे तो उनके खिलाफ ताइवान की नौसेना का एक्शन शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी अगर चीन के सैनिक मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस को भेद कर ताइवान पहुंच भी जाते हैं तो उसने अपने शहरों को गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार कर रखा है, जहां हर 4 में से 1 आदमी को गोरिल्ला युद्ध में महारत हासिल है।
ताइवान मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स और मोबाइल एंटी आर्मर हथियार जैसे कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमारस का यूज शहरी लड़ाई में कर सकता है, साथ ही बिल्डिंग को बैरक में बदल सकता है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ये संख्या ताइवान की आबादी का 15% है, यानी हर 4 में से एक व्यक्ति इससे जुड़ा है। ताइवान ने यूक्रेन और रूस की जंग में सबक सीखा और चीन से मुकाबले के लिए अपने लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। ये बात बेहद अहम इस लिहाज से हो जाती है कि किस तरह की तैयारियां ताइवान की है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो इख्तियार किए हुए हैं चीन ने तेवर, वो किसी भी करवट बैठ सकते हैं। और तभी से ताइवान में गन ट्रेनिंग की दर लगातार बढ़ी है। बताया जा रहा है कि चीन से हमले के खतरे को देखते हुए ताइवानी नागरिकों को गन ट्रेनिंग दी जा रही है, और ऐसे नागरिक भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी गन देखी ही नहीं थी। युद्ध के समय ताइवान की टैक्टिक्स और डिफेंस सिस्टम जैसे कि एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को बचाने की होगी। इन्हीं डिफेंस सिस्टम से ताइवान चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर खत्म कर सकता है। पिछले कुछ सालों से ताइवान ने अमेरिका से दर्जनों एडवांस फाइटर जेट खरीदे हैं, साथ ही खुद से स्वदेशी AIDC FCK-1 चिंग कुओ फाइटर जेट भी बनाया है। ताइवान ने अपने एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले बेस में रखा है, साथ ही पायलट को एयरपोर्ट पर बमबारी होने की स्थिति में हाईवे पर एयरक्राफ्ट उतारने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका ने युद्ध की स्थिति में ताइवान को डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस सपोर्ट देने की बात कही है। इन सभी उपायों से ताइवान को चीन को यह संदेश देने में मदद मिलेगी कि अगर युद्ध छिड़ता है तो ये लंबा, महंगा और काफी खून खराबे वाला होगा। चलिए अब आपको समझाती हूँ कि युद्ध की स्थिति में कैसे चीन और अमेरिका के बीच मोर्चाबंदी होगी। चीन की राजधानी बीजिंग में फाइनल जहाज का जो बहुत बड़ा अड्डा है, यहाँ से चीन न सिर्फ राजधानी को सुरक्षित करता है बल्कि ताइवान समेत जापान को भी धमकी देता है। इसके अलावा चीन के चिंगदाओ और जिनजियांग में भी चीन का नेवल बेस है, जहां से वो पूरे इंडो पैसिफिक पर नजर रखता है और यहाँ के देशों पर दादागिरी करता है। इसके जवाब में अमेरिका का फिलीपींस में अपना नेवल बेस है, वियतनाम और दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका का बेस है, जापान में भी अमेरिका का बहुत बड़ा नेवल बेस है जहां से वो जापान की रक्षा करता है, और इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया में भी अमेरिका ने नेवल बेस बनाया हुआ है जहां से वो न सिर्फ पूरे इंडो पैसिफिक पर नजर रखता है बल्कि चीन की चौधराहट को भी रोकता है। युद्ध की आशंका के बीच चीन की ओर से लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। समंदर में चीन ताइवान के 6 ओर से मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर चुका है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज आज यानी 4 अगस्त से शुरू हुई है और लगातार 7 अगस्त तक चलेगा। चीन की ओर से जारी वीडियो में कई हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते दिख रहे हैं जो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। चीन पूरी तरह से ताइवान पर हमले को तैयार नजर आया। उसका जंगी बेड़ा अब ताइवान की घेराबंदी करता दिखा। जो वीडियो सामने आया उसमें चीन के हेलीकॉप्टर आसमान में रेकी करते नजर आए। ताइवान के समुद्री सीमा के ठीक ऊपर 2 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे। इसके साथ ही एक और वीडियो में एक हेलीकॉप्टर भी रेकी करता नजर आया जिसने इलाके में हलचल तेज कर दी। वीडियो में नजर आया कि आसमान में चीनी हेलीकॉप्टर के देखने के बाद ताइवान भी पूरी तरह से अलर्ट दिखा और समुद्र में तैर रहे ताइवान के जंगी बेड़े पूरी तरह से स्ट्राइक मूड में दिखे। दरअसल अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोस के ताइवान यात्रा के बाद से चीन सैन्य अभ्यास में जुट गया, तो वहीं ताइवान से सटे चीन के पिंगटन में समुद्र के ऊपर चीनी हेलीकॉप्टर उड़ते दिखे जिसने तनाव को और भड़का दिया। ताइवान चीन के बेहद करीब है। ताइवान को चीन वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा मानता है। अगर इस मैप के जरिए मैं उसको बात को पूरी तरह से समझाऊं आपको तो ताइवान चीन के करीब है। ये देखिए मैं मैप के जरिए ग्लोब के जरिए आपको दिखा रही हूँ। ताइवान का वो हिस्सा जो इस वक्त आपको लाल ब्लिंक करता हुआ इलाका दिख रहा है वो ताइवान का है और ये है शंघाई।
तो डिस्टेंस जो है वो चीन और ताइवान के बीच बेहद कम है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी कही जाती है। वहीं वियतनाम का ये जो हिस्सा है ये भी ताइवान से ज्यादा दूर नजर नहीं आता है। रणनीतिक रूप से ये दोनों ही जो इलाके हैं और वो जो ताइवान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलीपींस का हिस्सा जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने अपने बेस को वहां तैयार किया गया है, वियतनाम फिलीपींस तो है ही, उसमें उत्तर में जापान भी आता है, जापान दक्षिण कोरिया। जापान की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो अमेरिका ने लिया हुआ है और इसीलिए वहां पर भी नेवल बेस उसने तैयार किया हुआ है अमेरिका ने, क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर शी जिनपिंग अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं और इसी लिहाज से वो ताइवान चीन के लिए बहुत अहम हो जाता है, जिसको लेकर पूरी की पूरी जो लड़ाई इस मैप में देखिए आपको बिल्कुल क्लियर होगी ये पिक्चर कि कैसे चीन के लिए ये पूरा एरिया प्रशांत महासागर का कितना जरूरी है। और चीन ताइवान तनाव से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताइवान सीमा के पास चीन का युद्ध अभ्यास लगातार जारी है और युद्ध अभ्यास के दौरान ताइवान की तरफ से चीन ने मिसाइल दागी जो ताइवान की समुद्री सीमा के ऊपर से होकर गुजरी है। तो किस तरीके से चीन लगातार ताइवान की तरफ मिसाइल दाग रहा है और जो मिसाइल दागी गई है वो ताइवान की समुद्री सीमा के ऊपर से होकर गुजरी है, यानी कि सख्त संदेश चीन की तरफ से लगातार ताइवान और अमेरिका को दिया जा रहा है कि यह हिस्सा हमारा है, था और रहेगा। और अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद ही चीन अचानक और आक्रामक हो गया है। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया है कि ताइवान के करीब युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है और इस वक्त ताइवान के करीब बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल्स की बारिश हो रही है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध शुरू होने वाला है। चीन में युद्ध का अलर्ट जारी, जंग के लिए तैयार आर्मी, लड़ाकू विमान तैनात, ताइवान की सीमा पर टैंक, समुद्र में जंगी बेड़े चल पड़े हैं। ये चीन से आई बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं जिसमें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने जोरदार युद्ध अभ्यास किया। वीडियो में चीन की आर्मी लाइव फायरिंग करती दिख रही है। जमीन से लेकर आसमान तक चीन की आर्मी अपने हथियारों को परख रही है। चीनी सेना का जोर इस बात पर ज्यादा है कि कैसे दूर से ही दुश्मन के जंगी जहाजों का पता लगाया जाए और उसे निशाना बनाया जाए। दावा किया जा रहा है चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान पर सबसे पहले मिसाइल अटैक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन 26 साल बाद ताइवान पर इस तरह का हमला करेगा। इससे पहले साल 1995 में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर चीन की तरफ से मिसाइल दागी गई थी जो ताइवान की राजधानी ताइपे के ऊपर से निकली थी और एक वीरान इलाके पर जाकर गिरी थी। चीन और ताइवान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन आग बबूला है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन के 27 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस गए। ताइवान के खिलाफ जंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी इसके लिए चीन के रक्षा मंत्रालय में सेना प्रमुखों के साथ बैठक चल रही है। इससे पहले खबर सामने आई थी कि चीन की सेना के 70 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुस आए थे। हालांकि ताइवान ने तुरंत अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया तो चीन के जहाजों को वापस लौटना पड़ा। इस बीच चीन के वायुसेना के एक पायलट का बयान भी सामने आया जिसमें उसने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं। वहीं ताइवान पर मंडरा रही युद्ध के खतरे को लेकर दुनिया के देश चिंतित हैं, क्योंकि चीन ने 6 जगह से ताइवान की घेराबंदी कर रखी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लगातार ताइवान की सीमा के करीब युद्ध अभ्यास में जुटी है। रात में भी चीन ने बड़ी आर्मी ड्रिल की जिसमें अंधेरे में हमला कैसे किया जाए उसका अभ्यास किया गया।
और ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने 4 बड़े एयरक्राफ्ट को ताइवान के इर्द गिर्द तैनात कर दिया गया है और इन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बताते हैं कि अमेरिका की तैयारी क्या कुछ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन को जापान के दक्षिण में तैनात किया है। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से ताइवान के इर्द गिर्द किस तरीके से एक के बाद एक अमेरिका की तरफ से एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन ये तैनाती यहां पर कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें इसके अलावा जापान के सासेबी में भी तैनात किया गया है अमेरिका की तरफ से एयरक्राफ्ट जो कि बेहद आक्रामक है। ये देखिए ये तीसरा एयरक्राफ्ट है जो कि युद्धपोत USS अमेरिका की तरफ से तैनात किया गया है जो कि सीधे तौर पर ताइवान को सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ये भी एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया गया है। यानी कि चारों तरफ से ताइवान को सुरक्षा पहुंचाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से है। और चीन की जो तैयारियां ताइवान की सीमा के पास शुरू हुई है उसकी वजह से हर गुजरते घंटे के साथ ये दोनों देश युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं। ताजा डेवलपमेंट क्या है उसे भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि फिलहाल स्थिति ये है कि ताइवान की सीमा से महज 9 समुद्री मील की दूरी पर चीन की सेना पूरी तरीके से एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने युद्ध की स्थिति को देखते हुए ताइवान की सीमा के करीब J-20 विमान, S-6K बॉम्बर, J-11 फाइटर जेट, 052D डिस्ट्रॉयर, 056A कॉर्वेट, TF-11 रेंट प्लास्टिक मिसाइल तैनात की हुई है। अमेरिका लगातार ताइवान की हिमायत में खड़ा है। इस बीच यूरोपियन यूनियन का बयान भी सामने आया जिसमें उसने चीन के युद्ध अभ्यास की आलोचना की। चीन ने भी यूरोपीय यूनियन के बयान पर पलटवार किया और चेतावनी देते हुए कहा कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद G7 और यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधियों के बयान बेहुदा है, जो 100 साल पहले चीन पर हमला करने वाले 8 सहयोगी बलों की याद दिलाता है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा से भड़का चीन किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है और अब ताइवान पर जंग की तलवार लटकी है। अगर ये जंग हुई तो एशिया प्रांत में यूक्रेन से भी बड़ी तबाही बचेगी। और चीन की जो तैयारियां ताइवान की सीमा के पास शुरू हुई है उसकी वजह से हर गुजरते घंटे के साथ ये दोनों देश युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं। ताजा डेवलपमेंट क्या है उसे भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि ताइवान की सीमा से महज 9 समुद्री मील की दूरी पर चीन की सेना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इसके साथ ही चीन की इन तैयारियों से निपटने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पास फिलिपिन सागर में अपना युद्धपोत USS रोनाल्ड रीगन भेज दिया है। इससे पहले चीन ने बुधवार को ताइवान के एयर डिफेंस इलाके में 27 लड़ाकू विमान भेजे थे। यही नहीं, इन 27 में से चीन के 22 लड़ाकू विमानों ने मीडियल लाइन को पार किया था जो दोनों देशों के बीच में एक अघोषित सीमा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। चीन पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो ताइवान के चारों तरफ 6 जगहों पर हवा और समुद्र में सैन्य अभ्यास करेगा। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ घंटों पहले ताइवान के दक्षिण में 2 अज्ञात विमान चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए थे। इन दोनों विमानों की उड़ान को फ्लाइट ट्रैकर पर ट्रैक किया गया था। और आसियान नेताओं के साथ चीनी विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर डेवलपमेंट आपको बताते हैं। और इस मुलाकात के दौरान आसियान नेताओं ने चीन का खुला समर्थन किया है। आसियान नेताओं ने यह कहा है कि चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव से इस इलाके में युद्ध हो सकता है जो सभी आसियान देशों को मुश्किल में डाल देगा। और ताइवान को लेकर चीन लगातार हमलावर रुख दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए भी ताइवान और उसका समर्थन करने वाले देशों को चेतावनी दे रहा है। ताइवान को लेकर चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए कई देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चीन की आलोचना की, तो चीन ने भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान की सालाना बैठक में शामिल हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ताइवान को चेतावनी दी और खुले संघर्ष की धमकी दे डाली। 10 सदस्यीय आसियान ने चीन के साथ सुर में सुर मिलाते हुए ताइवान को चेताया
जिसने अब एशिया क्षेत्र में तनाव को और गहरा कर दिया है। आसियान की ये बैठक नूम पेन में आयोजित की गई, जिसमें आसियान के मंत्रियों ने ताइवान को चेतावनी देते हुए कहा कि आशंका और टकराव की स्थिति पुलिस संघर्ष को न्योता दे सकती है, जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। अजरबैजान और अर्मेनिया में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अजरबैजान की सेना ने नागार्नो काराबाख में अर्मेनिया की सेना के ठिकानों पर जमकर बमबारी की है और ऐसे में अब टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। अजरबैजान की सेना ने नागार्नो काराबाख में अर्मेनिया की सेना के ठिकानों पर जमकर बमबारी की। पहले टारगेट सेट होता है, अगले ही पल जोरदार धमाका। युद्ध के मुहाने पर आर्मेनिया अजरबैजान। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, देखने में यहां सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। तस्वीरों में फौजियों की सामान्य हलचल हो रही है, लेकिन तभी अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और अफरा तफरी मच जाती है। इस हमले में आर्मेनिया के 3 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हो गए। बायरकताश TV2 का इस्तेमाल किया। हमले के बाद अजरबैजान की सेना ने हमले का ये वीडियो भी जारी किया। वीडियो को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हमला बेहद तैयारी के साथ किया गया। अजरबैजान ने ड्रोन के जरिए नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर छुन छुन कर बमबारी की, जिसके बाद वहां चारों तरफ सिर्फ जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। इस हमले के बाद अजरबैजान ने दावा किया कि उसने आर्मेनिया के सेना के गोला बारूद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। जिसके बाद अजरबैजान की फौज ने वहां कब्जा कर लिया। आरोप यह है कि अजरबैजान ने जानबूझकर सीज़फ़ायर तोड़कर बमबारी की, जबकि अजरबैजान ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बताया है। अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया की सेना ने पहले उसके एक सैनिक को मारा था, जिसके बाद उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। यही नहीं, अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों पर कब्जे की बात कही। बताया गया कि ड्रोन से हमले के बाद आर्मेनिया की सेना पीछे हटी थी, जिसके बाद अजरबैजान की फौज ने वहां कब्जा कर लिया। आरोप है कि अजरबैजान ने जानबूझकर सीज़फ़ायर तोड़कर बमबारी की, जबकि अजरबैजान ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बताई। लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध जैसे हालात बने हों। 2020 में नागोर्नो काराबाख के लिए दोनों देशों के बीच जंग ही छिड़ गई थी, लेकिन बाद में रूस ने शांति समझौता कराकर खत्म करा दिया था। दरअसल पूरा विवाद नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर है, जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर इलाके पर है। और फिलहाल ये इलाका इस वक्त अजरबैजान में आता है, लेकिन जमीन के इस हिस्से पर अभी की स्थिति में अर्मेनिया की सेना का यहाँ ज्यादा कब्जा है। वैसे नागोर्नो काराबाख विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। नागोर्नो काराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है। ये इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिस पर ईरान, अर्मेनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। 1200 साल पहले नागोर्नो काराबाख ने खुद को अर्थसाख के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया था। इसके साथ ही अर्थसाख के लोग खुद को अर्मेनिया साम्राज्य का हिस्सा ही मानते थे। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया।
और इसके बाद फिर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। 1918 में ये इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया, इसके बाद अजरबैजान के पास चला गया। अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू हुई और सोवियत क्रांति के बाद अर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने। झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में भी जगह जगह बारिश का कहर लगातार जारी है। इस वक्त सिरहोई सीकर जिले में जमकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरा जो शहर है वो दरिया में तब्दील हो गया है। शहर में अलग अलग जगह कई फीट पानी भरे होने की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो वहां के लोगों को चिंता में डालती हैं। मैदान से पहाड़ तक मुसीबत मूसलाधार। आया आया आया। कहीं सैलाब के बीच अटक गई सांस, कहीं रेस्क्यू के लिए ट्रैक्टर के जरिए किया गया बचाव। कहते हैं कुदरत के आगे इंसान का जोर नहीं चलता। पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक मॉनसून का मौसम इसी बात को सच करता दिख रहा है। सबसे पहले राजस्थान के सिरोही से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। यहाँ भारी बारिश के बाद आए सैलाब में फंसकर एक आदमी की जान पर बन आई। नदी में आए उफान में ये आदमी बेकाबू होकर बहता दिखा, लेकिन चंद सेकंड के भीतर इस डूबते हुए आदमी को पानी में फंसे ऑटो का सहारा मिल गया। लहरों में बहते इस आदमी के सामने जैसे ही ये ऑटो आया, ये ऑटो पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गया और इसकी जान बच गई। इन ऊंची लहरों के बीच डूबते हुए इस आदमी के सामने ये ऑटो ना आता तो ये बहते हुए कहां तक निकल जाता, इसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। जिस जगह पर ये सैलाब बहता देखा वहां नीचे एक पुल भी है, लेकिन नदी में आए उफान की वजह से पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से ये ऑटो और ये आदमी लहरों की चपेट में आ गए। राजस्थान के अलग अलग जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश कैसे लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, उसका एक नमूना देखिए। ये राजस्थान के सीकर की तस्वीरें हैं, जहां सड़क पर बहते दरिया के बीच ये स्कूल बस फंस गई। पानी के अंदर जाते ही स्कूल बस का इंजन बंद हो गया और इसके बाद बस के अंदर ही ये बच्चे करीब आधे घंटे तक मदद के इंतजार में फंसे रहे। करीब आधे घंटे के बाद जाकर यहाँ इस ट्रैक्टर ट्रॉली को लाया गया और फिर पानी के बीच ही स्कूली बच्चों को बारी बारी से इस ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठाकर मुसीबत से बाहर निकाला गया।